राधे राधे दोस्तों, राजपूत एंटरटेनमेंट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी पनीर बनाने की रेसिपी। पहले मुझे भी पनीर बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मेरी पनीर बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आइए बनाते हैं। ये मैंने भगोनी में आधा लीटर दूध ले लिया है और उसमें 1 लीटर पानी डाला है। अब इसे मैं गर्म करने रख देती हूँ। जब तक ये गर्म होता है, मैं एक कटोरी में आधा चम्मच ये टाटरी है इसको भिगो देती हूँ। इसी से हम पनीर बनाएंगे। पानी डाल देते हैं। जब तक दूध गर्म होगा ये घुल जाएगा। बॉइलिंग होनी है इसलिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। दूध में बॉइलिंग आ गई है और अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसे 5 मिनट ठंडा होने देते हैं। पंखे के नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे ही ठंडा हो जाए। दूध ठंडा हो गया है, अब शुरू करते हैं पनीर बनाना। तो देखिए मेरी मेल्ट हो गया है पूरा, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे और चलते की साइड से हिला थोड़ा सा और डाल देते हैं। और अब ये पूरी तरह से फट गया है। देखिए ये फट गया है बिल्कुल। हाँ, ये मैंने एक भगोनी है, इसके ऊपर ये जाली वाली बर्तन रखा है और इसके ऊपर हम रखेंगे ये सूती कपड़ा। कोई भी तौलिया ले सकते हैं आप, साफ हो पूरी तरह से। और इसमें हम कर देंगे इसके पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत यूजफुल है। पेड़ों में भी डाल सकते हैं, इसको सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। पानी इसमें आ गया। अब इसको किसी भारी बर्तन से दबा देते हैं। मैं इस प्लेट के ऊपर ये जाली वाला बर्तन रखूंगी और इसके ऊपर ये पनीर मैं गठन लगा के रख दिया। आप देख सकते हैं पनीर बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। आप भी अपने घर पनीर बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना। राधे राधे दोस्तों।